सभी हम आज यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, उनका जन्मदिन, और हम सभी के लिए एक बहुत ही अनोखा दिन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं जन्मशती हम यहाँ पर मना रहे हैं। और जन्मशती मनाते हुए उसी वक्त हम लोग उस रायगढ़ जिले में यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिस रायगढ़ जिले को हम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी के साथ में जोड़ते हैं। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी आने वाले 22 तारीख को आदरणीय परिकर जी रायगढ़ किले के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अभिवादन करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ यही रायगढ़ की भूमि है जिस रायगढ़ की भूमि में महाड़ में वहां पर जो तालाब था चौदार तड़े, जिसको मराठी में कहा जाता है, उस चौदार तड़े का जो पानी है उस पानी को बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए खुला करने के लिए खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आना पड़ा। वो इतिहास है रायगढ़ जिले का, ये इतिहास है रायगढ़ जिले का कि जिसके साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। वो इतिहास है रायगढ़ जिले का कि जिसके साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम जुड़ा हुआ है। और इस भूमि में आकर हमारे आप सभी के इस नागरिक सम्मान को स्वीकारने के लिए आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी ने आज यहाँ पर स्वीकार किया, इसके लिए फिर एक बार हम आप सब मिलकर पर्रिकर साहब का यहाँ पर इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। आज यहाँ पर हम सभी यहाँ पर आपका स्वागत, आपका सत्कार करना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से आज यहाँ पर बैठा हुआ हर एक आदमी, हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के जीवन में आज तक एक तरीके से हम सोचते हैं पिछले 40-45 सालों से हमारे जीवन में एक कमी सी महसूस हो रही थी। कहीं ना कहीं सभी जो भूतपूर्व सैनिक है, जो अपने जीवन में सैनिक रहे फिर भूतपूर्व सैनिक है, आज आप सभी के परिवार के लोग आज यहाँ पर क्यों एकत्रित है। महाड़ पोलादपुर 150 किलोमीटर दूर है, श्रीवर्धन मसला का क्षेत्र है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। उस दूरी से लेकर आज पनवेल तक आप सभी लोग क्यों आए हुए, क्योंकि वो सम्मान जो आज तक हमारी पहले वाली सरकार दुर्भाग्यवश हम सभी को नहीं दे पाई थी। आज तक सैनिकों की हमेशा से मांग रही थी कि हमारी जो पेंशन है इस पेंशन को बढ़ाया जाए, पर नतीजा क्या हुआ, इसके पहली वाली सरकार को भी ये मांग हम सभी ने मिलकर रखी थी, पर हमने देखा कि जो 70% तक की पेंशन थी उसको 30% तक लाया गया। तो इस तरीके से हमारी मांग है बढ़ाना चाहिए, पर उस मांग को इसके पहले वाली जो सरकार थी उस सरकार ने उल्टा कम कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जिल्लत की जिंदगी हम सभी को यहाँ पर महसूस करनी पड़ रही थी, पर हम सभी का ये भाग्य है कि इस देश की कमान उन नेता के हाथ में है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के हर आम आदमी के लिए सोचते हैं, उस आदमी के हाथ में है जो अपने दिवाली अपने घर पर ना मनाते हुए देश के सियाचिन के बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ में मनाने के लिए, क्योंकि वो सैनिक देश के लिए लड़ रहा है, तो उनके साथ में मनाने के लिए जो अपने घर का, अपने देश को अपने घर के बाद से ज्यादा सोचता है, तो ऐसे आदमी के हाथ में इस देश की कमान है। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली है कि आज उनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी, जिनको आप और हम सभी ने देखा हुआ है, एक सीधा आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को यहाँ पे हमेशा से उन्होंने गुजारा हुआ है। रक्षा मंत्री का कारोबार उन्होंने आज संभाला हुआ है, इसके पहले गोवा राज्य के मुख्यमंत्री थे, पर दोनों जब कारोबार जब उन्होंने संभाले हैं, ये दोनों कारोबार संभालते वक्त उन्होंने हमेशा से उनके पैर हमने जमीन पर पाए हैं, आम इंसानों के बीच में रहकर आम इंसानों की बातों सुनने के लिए उन्होंने हमेशा से यहाँ पर प्रेफरेंस दिया हुआ है। और उसी के लिए आज देश के जो जो मंत्री है आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हुए,
इस देश के मंत्री बनने के बाद में उन्होंने अपने घर बार के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने सोचा है देश के उस आम आदमी के घर बार के लिए कि उसके जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं। और हम सभी लोग अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वीं जन्मशती हम सभी लोग मना रहे हैं। तो इस जन्मशती को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जाहिर किया कि पूरा वर्ष हम यहाँ पर समता और सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाएंगे और उसके माध्यम से देश के हर कूड़े कस्बे तक, हर गांव तक, शहर के हर गली तक हम लोग जाएंगे और उस आम इंसान को उसकी जिंदगी में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं इसके बारे में सोच विचार करेंगे। और यही विचार लेकर आज देश के रक्षा मंत्री काम कर रहे हैं। किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री होने के नाते देश का यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो फोर्स और अच्छा और यहाँ पर आधुनिक बने। और उसी के साथ साथ आज जिन्होंने हमारे इस देश को सर्व किया, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार से इनका सम्मान कैसे बढ़े इसके बारे में सोचा हुआ है। वन रैंक वन पेंशन के बारे में तो मेरे और सहयोगी भी बात करेंगे, पर मैं वो बात को रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि जिस तरीके से आप और हम सब लोग मिलकर सोचते हैं उसी तरीके से हम सौभाग्यशाली है हमारे देश के रक्षा मंत्री सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंच पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके माध्यम से उनकी समस्याएं उनको मैं समझना चाहता हूँ और उन्हें सुलझाने के लिए मेरा प्रेफरेंस है। तो जरूर हमारे साथी अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। आज जैसे कि हम आदरणीय रक्षा मंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, उसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर कुछ सैनिक जो हमारे रायगढ़ जिले से हैं और इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उन्होंने काम किया हुआ है, ऐसे लोगों का भी सम्मान आप ही के साथ साथ हम इस मंच पर करना चाहते हैं, इसकी हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जरूर हम सभी लोग मिलकर आज यहाँ पर रायगढ़ जिले में रहने वाले, चाहे नागरिक क्षेत्र में रहते हो, चाहे महाड़, पोलादपुर, शिवर्धन, मसला, रोहा, अलीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कुछ कुछ समस्याएं शायद हमारी भी है। आज कुछ कुछ मांगे अभी भी हमारी है और इन मांगों को पूरा करने के लिए हमारी उम्मीदें केंद्र सरकार से है, हमारी उम्मीदें राज्य सरकार से है। और ये उम्मीदें पूरे करने के लिए आज जैसे कि रक्षा मंत्री जी यहाँ पर मंच पर विराजित है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं, आज आपके प्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में आपकी जो समस्याएं राज्य सरकार को लेकर है, राज्य सरकार से आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए आने वाले समय में रायगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी का हमारा यूनिट आगे बढ़कर काम करना चाहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपकी समस्याओं को उजागर करने के लिए और उनको स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उनको सुलझाने के लिए आपके सहयोग से, मंत्रियों के सहयोग से रायगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काम करके रहेगी। और वो सम्मान जो आज सैनिक को है वही सम्मान सैनिक के परिवार को मिले, जो सम्मान आज सैनिक को है वही सम्मान भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार को मिले। हम चाहते हैं कि भारत देश एक बुलंद देश बनकर रहे और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जरूर काम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि वो देश विदेश में जाकर अपने देश की छवि को उजागर करने का काम कर रहे हैं। पर जो सैनिक आज देश की सीमा पर हमारी देश की सीमा का रक्षण कर रहा है, उस सैन्य में भर्ती होने के लिए आज युवाओं को वहां पर जाने के लिए प्रोत्साहित अगर करना है तो उन युवाओं को लगना चाहिए कि आज जो देश के सैनिक है, आज जो देश को सेवा दे चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों के परिवार का भी समाज में सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान बढ़ना चाहिए। इसके लिए दोनों राज्य, दो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जो भी कुछ हो सकता है वो करने के लिए आपके रिप्रेजेंटेशन को उन तक पहुंचाए और उनके माध्यम से वो सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाए, वो सारा जो सम्मान समाज आपको दे सकता है देना चाहिए, जिसके माध्यम से नए युवाओं को आज सैन्य में जाने के लिए प्रोत्साहन मिले। इसके लिए रायगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी काम करके रहेगी।